हमेशा जब तक हम हम आपके साथ हैं, हमारे सारे बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके उत्तर पख्तूनख्वा करके पाकिस्तान आजाद कश्मीर और खास तौर पे पंजाब के टीजी खान राजनपुर ये जो इलाके जिन लोग मुतासर है, मैं आज सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। मैंने टेलीफोन किया, मैं सोच रहा कि 3 घंटे का मैं टेलीफोन करूंगा जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों 3 घंटे से भी कम वक्त पे पाकिस्तानियों ने 550 करोड़ रुपया जमा किया मुतासरीन के लिए। हम वो पाकिस्तानी कौम है जिसे खौफ खुदा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो इस टाइम इमरान खान सरगोधा में खिताब कर रहे हैं, आज 5 सितंबर 2022 है और आप लाइव देख रहे हैं। ये वो कौम है जो समझती है कि अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम उन लोगों की मदद करें जो मुश्किल में, और मुझे इतना फख्र हुआ सरगोधा, मुझे इतना फख्र हुआ कि मेरे बहनों ने मुल्क पाकिस्तानियों ने जिस तरह दिल खोल के पैसा दिया 550 करोड़ रुपया सिर्फ 3 घंटे के वक्त में उन्होंने पैसा जमा कर दिया, और मुझे पिछले लेकिन वो लाइनें सारी भरी हुई थी ब्लॉक की लाइनें, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि अगर हमारे पास वक्त होता और वो टेलीफोन लाइन खुली होती तो 5.5 अरब रुपया मजीद और जमा हो जाता। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इंशाल्लाह अब ये पैसे भी इकट्ठे करूंगा, प्रोग्राम बना रहा हूं कि किधर किधर हमने सबसे ज्यादा जरूरत और पैसा खर्च करें, और मैं अपनी सारी कौम को भी आज दावत देता हूं कि जो भी मदद करना चाहे दुखी इंसानियत की, तो इंशाल्लाह हमें कंट्रोल रूम बनाएंगे और जो हमें कॉल करेगा हम बताएंगे कि ये फलानी जगह है डीजी खान उधर मदद कर सकते हैं, या सिंध के अंदर, सिंध में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो उधर हम लोगों को भी बताते रहेंगे कि कैसे हम अपने जो सैलाब मुतासरीन हैं इनकी मदद कर सके। लेकिन अच्छा आए सर, अभी आप भी चुप करके सुन रहे हैं मेरी बात, आए सर में डिसिप्लिन चाहिए मुझे। अच्छा जी, अब मैं वो इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान, अगर ये सुन रहे हो तो तुम्हें पहली दफा अंदाजा हुआ कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। अब पता चला कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग ने किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दो, ये देखी थी फॉरेन फंडिंग, ये ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा हमें, और ये वो पाकिस्तानी है। इंशाल्लाह मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा, और जो हमारा बैरूनी कर्जा है जिसकी वजह से हमें IMF की गुलामी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाथ फैलाने पड़ते हैं लोगों मुल्कों के सामने कि जी हमें पैसा दे दो, इंशाल्लाह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मैं मोबिलाइज करूंगा, ऐसी स्कीम्स लेके आऊंगा। ये मेरा ईमान है कि हम ये जो इस मुल्क के लुटेरों ने कर्जा चढ़ाया हमारे मुल्क में, मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले गए, और
जो हमारे ऊपर ये कर्जे का बोझ जिसकी वजह से हमारी इज्जत जाती है, तमाम लोगों के सामने मुल्कों के सामने हाथ फैलाते हैं, ये बैरून मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारी मदद करेंगे कर्जा उतारने के लिए और इस कौम को अपने पैर पे खड़ा करके इख्तदार कौम बनने के लिए। आज अगर हमारा मुल्क एक अजीम कौम नहीं बना तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे मुल्क में जुल्म का निजाम है। ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून, छोटा चोर चोरी करे तो जेल में और बड़ा डाकू चोरी करे तो वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमी तबाह हुई जिधर ताकतवर जब जुल्म और चोरी करता था उसको नहीं पकड़ा जाता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता था। मैंने जब 8-9 दिन जेल में गुजारे, अपनी आजाद अदलिया के लिए मुझे जेल में डाला गया, मैं वाहिद लीडर था जिसको आजाद अदलिया के लिए जेल में डाला गया। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए, सारे बेचारे गरीब छोटे बैंक चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए, लेकिन दो बड़े बड़े लुटेरे खानदान सरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये सारे आपको आज जो ऊपर बैठे हुए बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसलत किए गए, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं सरगोधा में सारी अपनी कौम को इख्तियार कर रहा हूँ कि हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो, क्योंकि जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या बैरूनी साजिश हुई, अमेरिका को अपने गुलाम चाहिए थे, चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला शरीफ चेरी ब्लॉसम साथ डीजल को पहले तैयार बैठा था, डीजल 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 सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, सरदारी की बीमारी ये है कि वो जब नोट देखता है ना वो पैसे देखता है उसका जिस्म उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है, उसकी मूंछें ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती है, उसको बीमारी है, उसको यकीन, मैं आपको यकीन बताऊं उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुझसे बाहर ले गया, लेकिन अभी भी बीमारी है, चला जाता नहीं है, लेकिन पैसे की
पैसे के पीछे अभी भी जान देने के लिए तैयार है। तो ये तीनों इकट्ठे हो गए, मिल गए, इनके साथ और साजिशी बैठे हुए थे।